गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है, आज हमारे घर में हो गई है शुरुआत सफाइयों से, क्योंकि होली आने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेस्टिवल आते हैं तो हर घर में शुरू हो जाती हैं सफाइयाँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सफाइयाँ पंखों से। और मेरे पीछे आपको कोई दिख रहा होगा, छोटा बेबी बैठा है, सिद्धि। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। अभी रिद्धि सो रही है, सिद्धि उठ जाती है सुबह सुबह अपने पापा की तरह जल्दी। रिद्धि मेरी तरह उठती है लेट। तो चलिए करते हैं सफाइयाँ। गाइस, हमने अपना अपना काम बांट लिया है। रिद्धि के पापा हमेशा बोलते रहते हैं स्किल्ड बनो स्किल्ड बनो। आज मैंने उनको काम उनको दे दिया है, मैंने उनको काम दिया है, पंखे साफ करो, अलमारियां साफ करो और करो प्लीज साफ। ये देखिए फ्रेंड्स, संडे की शुरुआत हो गई है घर की सफाइयों के साथ। आज बहुत मुश्किल से हाथ लगे हैं रिद्धि सिद्धि के पापा, रोज चकमारे के निकल जाते थे ऑफिस। आज फाइनली मैंने पकड़ लिया है उनको घर की सफाई के लिए। बाहर चाहे जो मर्जी भी हो, सर 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 सर, पर घर में तो वैल्यू इनकी यही है, पंखे और जाले साफ करने की। ये तो हो गया है। क्या हो गया? हो गया पर साफ और क्या? ये 5 पंखे और 2 AC कौन करेगा? अरे वो देखेंगे यार। कोई नहीं देखेंगे, गर्मी बढ़ गई है, AC भी करने हैं आज हर हाल में। जी ये हो रहा है पंखा नंबर 2। और ये है पंखा नंबर आखिरी। बस आखिरी कोई नहीं है, 5 नंबर तक जाना है। 5 नंबर तक नहीं जाएंगे हम, दिल्ली में 4 ही फ्लोर अलाउड है, इसलिए हम 4 ही फ्लोर तक जाएंगे। नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर भी अलाउड है, पार्किंग भी अलाउड है, उसको भी गिन सकते हैं हम। थक गए हो, रेस्ट कर लो। रेस्ट तो मैं एक ही बार करूंगा बस। मैं भी यही कहना चाह रही थी। घर से बाहर निकल जाओ तो रेस्ट ही रेस्ट है। अच्छा, क्यों घर में क्या कांटे चुभते? गाड़ी उठाओ कहीं लगाओ और आराम से रेस्ट करो। आज कोई गाड़ी नहीं उठेगी, आज बस घर की सफाई है बस। पंखा नंबर 3 ये हो रहा है बहुत ही शानदार। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। गाइस ये हो रहा है पंखा नंबर 4। अब बचा है बस एक पंखा। पंखे से मुझे एक स्टोरी याद आती है। बताओ। अब जो पंखा ज्यादा चलता है वही सबसे ज्यादा गंदा होता है। ऐसे ही एक घर में ऐसे 5 मेंबर है। अच्छा, तो जो सबसे ज्यादा काम करेगा या जो घर का मुखिया होगा उसी को ही सारे बुरा भला समझते हैं। अच्छा जी, आपका इशारा किसकी तरफ है? मेरा इशारा उसकी तरफ है जो समझ ले। अच्छा गाइस, हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि कल हमने सफाइयां करनी है और नाश्ता मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के पापा उम्मीद करके बैठ जाते हैं गोभी के परौंठे बनेंगे, क्योंकि उनको गोभी के परौंठे बहुत पसंद है। तो हमने डिसाइड करा था कि हम बाहर से मंगाएंगे ब्रेकफास्ट, तो हमने मंगाए हैं हम सबके फेवरेट छोले भटूरे। तो मैं रिद्धि सिद्धि के पापा को सर्व करके आती हूँ। ये लो जी आपका नाश्ता। थैंक यू जी। छोले भटूरे देख के थकान उतर गई होगी। अभी रिलैक्स नहीं होना, अभी फ्रिज भी करना है, आपने खोला हुआ है फ्रिज पहले इससे तो निपट ले। मैं तो ये जी पेट पूजा के बाद शुरू हो गया है फ्रिज की सफाई। ये देखिए बहुत ही स्किल स्किल करते थे, आज निकल रहे हैं सारे स्किल स्वामी जी के। स्वामी जी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, पुराने दिन याद आ गए। अच्छा कितने 22 साल पहले मैंने फ्रिजों का काफी काम सीखा हुआ है। अच्छा गाइस, आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताना चाहूंगी। आपको हस्बैंड से ज्यादा काम कराना हो तो उनका फेवरेट उनका खाना खिला दो, उनका पेट भरा होना चाहिए, उसके बाद उनसे जो मर्जी करा लो। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। गाइस सिद्धि की शुरू से आदत है, छोटी सी थी ये तब से, ये फ्रिज के अंदर जब हम फ्रिज की सफाई करते हैं तो ये फ्रिज के अंदर बैठ जाती है। ये कहती है मेरा हाउस है, फ्रिज हाउस। ये क्या है आपका? फ्रिज हाउस। ये देखो, नहीं ओ बल्ब जम जाएगी, दिख रही है? खोलो खोलो खोलो। चलो फ्रिज हाउस से बाहर आओ। चलो पापा को क्लीन करने दो बेटी, क्लीन करने दो। चलो जल्दी आओ बाहर। अच्छा जल्दी आओ।
स्वामी फ्रिज हो गया? हाँ बस हो गया। चेक कराओ जरा मुझे। क्या चेक करोगे आप? अंदर से चेक कराना जरा। अरे वाह, आपने तो नया फ्रिज फेल कर दिया गाइस। लग रहा है ये 9 साल पुराना फ्रिज। अगर जिसने भी फ्रिज साफ कराना हो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी अपने हस्बैंड का, बहुत ही अच्छा फ्रिज और पंखे साफ करते हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑल क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। स्वामी अपनी फीस तो बता दो, क्या लेते हो सर्विस चार्जेस? सर्विस चार्जेस मेरे यही है, 3 टाइम का खाना दे दे बस मुझे कोई, उसी में उसका फ्रिज साफ कर दूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है। डॉली क्या कर रहे हो? ना? ये लो जरा मुंह मीठा करो पहले तो। अरे करो तो सही यार। क्या बात है? अरे करो यार, मुंह मीठा करो। कुछ मिला के लाए हो? मिला क्यों के लाया हूँ, मेरे को मिठाई तो मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो बिस्किट है। मैंने कहा भाई मिठाई तो है नहीं है, तो बिस्किट से ही काम चलाते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया आज भाई? ऐसा क्या, बड़ी खुशी की बात है। क्या हो गया? कमेटी निकल गई आपकी। वही जो आपने डाली थी। कौन सी? मेरी पॉकेट साफ कर करके। किसने बताया आपको मेरी कमेटी नहीं निकल गई है? आपकी मैं डाल सकती हूँ, आपको लगता है इतने पैसे नहीं देते हो आप मेरे को मंथली खर्चा? आपकी बेटी ने आपकी सारी बोल पट्टी खोल दी है। बच्चे तो जो मर्जी बोलते, बच्चे तो मुझे ये बोल रहे थे पापा दुबई जा रहे हैं, तो क्या दुबई जा रहे हो आप? दुबई से तो मैं होके आ गया हूँ, लेकिन इस बार तो पक्का सबूत है मेरे पास। दिखाओ जरा क्या सबूत है, मैं भी देखूं जरा। एक मिनट को, ऐसे कच्चे खेल हम खेलते नहीं है, जो सबूत छोड़ दे। ये देखो बेटा, साइकिल लेनी है आपको? है बेटा? तो मम्मा की कमेटी निकल गई है, क्या बोल रहे थे? है बेटा? दिखाया भाई सिद्धू को आपने? चलो इतना सबूत बहुत है। हाँ जी, फिर मान रहे या कुछ और भी सबूत दिखा दूँ फिर? अरे वो पुरानी कमेटी नहीं निकली थी, पिछली बार हम दोनों ने मिलकर डाली थी। अच्छा अच्छा, सही है बेटा, मैं भी हूँ आजकल। इतनी चेहरे पे रौनक कैसे है, 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मेरे को शर्ट भी लेके दे दी है, और सिद्धि की साइकिल हालांकि ठीक है, फिर भी नई जी नहीं नई साइकिल लेके दूंगी। ऐसा मैं भी कहूँ, ऐसा क्या हो रहा है भाई? साइकिल थी कहाँ? साइकिल तो थी, मैं तो कह रहा था उसको ठीक करवा देते हैं, आप ही को कह रहे थे कि नई लेनी है नई लेनी है नई लेनी है। नहीं यार, कोई कमेटी वमेटी नहीं है, आपको लगता है मैं कमेटी डाल सकती हूँ? नहीं तो बता दो, एक आध और सबूत है मेरे पास, जल्दी बताओ। मैं कौन सा ले रहा हूँ यार? डाली थी 4-5 हजार रुपए की। 4-5 हजार रुपए की डाली थी? 4-5 हजार में तो शर्ट नहीं आती है और ना ही साइकिल आती है। ये बताओ थोड़े मेरे पास सबको जमा करके गुल्ले कितने थे पहले के? पहले के कितने थे होंगे? सारा कुछ बता दूंगी आपको। आप मुझे बताते हो क्या आपके पास कितने बैंक बैलेंस कितने? क्यों, मेरी तो खुली किताब है, चेक कर लो। ले लो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड ले लो। हाँ देखती हूँ, चलो लाओ। वो तो ब्लॉक हो गया, नहीं तो जरूर देता आपको। वो कब ब्लॉक हो गई है? वो कल ही ब्लॉक हुई है। अच्छा, लाइफ में पहली बार मैंने छुपके कमेटी डाली रिद्धि सिद्धि के पापा के पापा से, और मेरी पोल पट्टी खोल दी है सिद्धि ने, छोटी सी जो है ये, क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि कोशिश करती हूँ कि मैं सेविंग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसके पापा से बात छुपाई नहीं। तो लाइफ में कोई भी ऐसा राज नहीं है जो इसके पापा से छुपाओ। अब क्या कर सकते हैं, खुल गया है भांडा, पता चल गई कमेटी, क्या कर सकते हैं आप? दिखाओ डॉली, आज तो फायदा हुआ मुझे सफाई करने का। कैसा फायदा? बस आपने मुझसे पंखे साफ करवाए, फ्रिज साफ करवाया, अलमारी साफ करवाई, तो मुझे मेरी मजदूरी तो मिली गई। तो आपका घर है तो कर दिए तो क्या हुआ? मेरी बेटी ने मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दी आज आपकी कमेटी निकल के। क्या कमेटी निकल गई? कमेटी निकली नहीं, 4-5 हजार की कमेटी निकल गई, जैसे कि जी बड़े 50 हजार की कमेटी निकली हो।
बेटा 50 से ऊपर की निकली होगी, 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार तो मैं अभी आपका पर्स देखूंगा ना, उसी में अगर पर्स को खाली करोगे तो 4-5 हज़ार तो उसी में निकल जाएंगे। तुमने डाल ली 4-5 हज़ार की कमेटी, वाह। इतना जानते हो आप मेरे को? इतना ही जानता हूँ। अच्छा चलो, अब हमारे को शॉपिंग शॉपिंग करा दो। कोई पैसे वैसे नहीं है, शॉपिंग करा दो, जाओ अपने। चलो चलो, ज्यादा नहीं, हम तीनों को 10-10 हज़ार रुपए दे दो। 10 हज़ार? मैंने 10 रुपए नहीं देखे इतने दिनों से। 10 हज़ार? अरे गर्मी आ गई, मेरे को शूज लेने हैं यार। तो गर्मियों में शूज नहीं पहनते, चप्पल ले लेना एक दो। नहीं, नहीं चप्पल ले, चप्पल तो बहुत है, शूज नहीं है यार गर्मी में पहनने के लिए। बढ़िया स्लीपर दिला देती हूँ एडिडास की। नहीं नहीं नहीं, मेरे को शूज चाहिए। शूज नहीं पहनते हैं गर्मी में, वो मैं पहन लूंगा। चटनी क्यों बनाएगी मेरी बेटी? मेरी क्या, मेरी बेटी मेरे साथ है ना बेटा। अब कमेटी थोड़ी ना निकली ना, मम्मा की नहीं निकली ना। हाँ पापी, तो कल मैं की चटनी बना दूंगी। ओ, अपने पापा को कोई ऐसे बोलता है? ये मेरी बेटी है मम्मा के साथ। चलो मेरे को 5 हज़ार दे दो, मैं जो मर्जी लूँ। और बोलो, 10 से 5 पे आ गया हूँ। 5 हज़ार? हाँ, कभी सपने में देखे 5 हज़ार? तभी तो देखे नहीं है, तभी तो खुश हो रही है। 5 हज़ार में इतना नहीं पता मेरे को। तो बस अब इतना नहीं पता, पहले जब पता करके आओ 5 हज़ार में जीरो कितने लगते। जीरो से क्या मतलब यार, बस इतना पता है कि जब दुकान पे जाओ कहीं पे तो 5 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। लॉकर खोलूंगी ना। दो मैं खोल देता हूँ, दो चाबी दो। ना ना ना, चाबी मैंने आज तक किसी तक को नहीं दी। आपके हाथ में तो बहुत दूर की बात है, चाबी आज तक किसी ने मेरी चाबी नहीं। कोई नहीं बेटा, जब आप मायके जाओगी ना तो मैं पीछे से ताले चाबी वाले को बुलाऊंगा। बेटा मायके जाते हैं ना, सब अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, कच्चे के निकलते हम। ठीक है ठीक है। कैमरा क्या ले लेके आ जाते हो बार बार, ये फोन का कैमरा? सच्चाई रिकॉर्ड होनी चाहिए ना कैमरा में। सच्चाई किसको दिखाओ? गाइस को पता ही है मैं इतनी। अच्छा, ऐसे जोड़ जोड़ के 10-10 रुपए जोड़ जोड़ के मैंने एक छोटी सी कमेटी डाली अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आपने नजर रखी। अच्छा, इसको पता ही है। दिन में कितनी बार 10-10 जोड़ती थी ये तो बता दो। चलो 24 घंटे में, हर मिनट में 10 रुपए जोड़ती होगी फिर तो, हर सेकंड में।